हर कौम में, हर जमाने में, हर दौर में दलाल पैदा होते रहे। वो सिर्फ इसी कौम में नहीं, हर कौम, हर बिरादरी, हर नस्ल, हर जगह दलाल पैदा हुए। और जो आज ये इस तरह की बोली बोल रहे हैं हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ, ये कौम के दलाल हैं। इनके ऊपर हमला बोलने की जरूरत नहीं है, अपनी मौत खुद ही मर जाएंगे। जितना जब जब हमला होता है सोए हुए शेरों पर, उसको जागने का मौका मिलता है। हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान की पब्लिक और आवाम ने अब तक आज़ादी के बाद से लेकर ये सोचा कि हिंदुस्तान जैसे हमेशा अमन का गहवारा रहा, शांति का प्रतीक रहा, ये उसी तरह चलता रहेगा। लेकिन विदेशी ताकतों को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगी और बाहर की ताकत ने हिंदुस्तान के अंदर के अमन अमान को ख़राब करना चाहा, तो जो हुक्मरानी में बैठे हुए लोग हैं उनको खरीद कर हिंदुस्तान की जनता के साथ जुल्म ज्यादती करना शुरू किया। कहीं मुसलमान के नाम पर, कहीं दलित के नाम पर, कहीं ओबीसी के नाम पर और कहीं बिछड़े हुए नाम पर। आपने सवाल किया शाहीन बाग का, कल शाहीन बाग एक शाहीन बाग था और आज शहर के अंदर सैकड़ा से पार करते हुए करीब हजार की संख्या में पहुंचने के करीब आ गया है शाहीन बाग। ये शाहीन बाग हुक्मरानों को और कुर्सी पर बैठे हुए लोगों को दावत देता है कि अपनी सांप्रदायिक आप छोड़कर राष्ट्र भक्त और देशभक्त बनते हुए यहाँ की जनता किसी धर्म, किसी जात, किसी रंग, किसी कलर, कहीं की रहने वाली जो हिंदुस्तान की जनता है उसके साथ आप अन्याय बंद कर दीजिए। और ऐसा शब्द, ऐसा जुमला जैसे कि ये अगर बोली से नहीं मानते तो गोली दिया जाएगा, ठोक दो इनको, टुकड़े टुकड़े कर दो, फला कर दो, इस तरह के जो शब्द बोलना है ये सब दहशतगर्दों के बोल हैं, ये हुक्मरानों के बोल नहीं हो सकते। और अगर कोई पवित्र स्थान पर बैठकर, पाक जगह पर बैठकर, संविधान की रक्षा की जगह पर बैठकर अगर ऐसे असंवैधानिक शब्द बोल रहा है तो हिंदुस्तान की जनता अभी मरी नहीं है, जिंदा है। और जल्द ही आने वाले दिनों में हिंदुस्तान की जनता, खासकर जैसे दिल्ली में भी शुरुआत हुई है, दिल्ली ने बता दिया कि सांप्रदायिक बोल बोलने वालों का क्या हश्र होता है। अगर ये अपनी गलतियों से सचेत नहीं हुए और जागे नहीं तो जो दिल्ली में जो हश्र हुआ है यही हश्र पूरे हिंदुस्तान में करीब करीब होगा। तो कह रहे हैं कि हम संविधान के दायरे में NPR और NRC लागू कर रहे हैं, तो बात कर लीजिए बैठ के। अगर आप कह रहे हैं कि संविधान के दायरे में हम करते हैं, तो मेरा एक सवाल चैनल के माध्यम से है, क्या आज से पहले यानी CAA आने से पहले क्या हिंदुस्तान के अंदर लोगों को नेशनलिटी देने का संविधान नहीं था, क्या राइट नहीं था? पहले लोग आते थे तो उनको संविधान में यहाँ पर नागरिकता का वो नहीं मिलता था, प्रावधान नहीं था? अगर था और है और यकीनन है तो CAA आने की जरूरत क्यों पड़ी? आपसे मेरा एक सवाल है, हाँ। आप शाहीनबाग का नाम ले रहे हैं और कह रहे हैं हजारों शाहीनबाग बन चुके, लेकिन अभी बनारस में नरेंद्र मोदी ने एक बात कही कि हम किसी भी हालत में CAA को वापस लेने वाले नहीं है। और अमित शाह तो क्लियर कह चुके हैं संसद के अंदर ही जहाँ से सारे कानून बनते, वो कह रहे हैं हम NRC तो लागू करके रहेंगे, फिर उसका असर क्या होगा? हाँ हाँ ठीक है, देखिए नरेंद्र मोदी साहब शायद ये बात भूल चुके हैं कि हम अफगानिस्तान और तालिबान के प्रधानमंत्री नहीं हैं, हम हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। और प्रधानमंत्री पद ये ऐसा नहीं है कि आप प्रधानमंत्री बन गए तो संविधान को तोड़िए, संविधान के दायरे में रहेंगे तो प्रधानमंत्री रहेंगे। और अगर संविधान को तोड़ेंगे तो चाहे किसी पद पर कोई हो वो उस पद पर नहीं रह सकता। और ताकत के बल पर कभी कोई हिंदुस्तान के अंदर किसी पद पर ना रहा है और ना रहेगा। अगर आप ये कह रहे हो कि हम कायम थे और हैं, तो जनता जिस दिन जागरूक पूरे तरीके से हो जाएगी उस दिन जनता खुद ही फैसला कर देगी कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। लेकिन दिल्ली के अंदर हम बात कर रहे हैं, आज अभी लोगों की, जहां तक हम लोगों की थिंकिंग को सुन रहे हैं, वो है कहते हैं देश हिंदुओं का है और मुसलमानों को अलग तक एक देश अपना लिया था, लेकिन उसके बावजूद ऐसा क्या कर रहा वो यहाँ पर रहे और उसके बाद अब वो दिखाना चाह रहे हैं कि ये देश बार बार आप ही उन्हें मजबूत कर रहे हैं जैसे हिंदुस्तान बार बार शब्द का प्रयोग करके, क्योंकि भारतीय संविधान में जो नाम है वो भारत है, इंडिया दैट इज भारत, उन्होंने पहले ही प्रस्तावना में लिख दिया। जैसे ही आप हिंदुस्तान की बात करते तो आप तो खुद कह रहे हैं कि आपका देश हम इसमें किराएदार हैं। आपका सवाल शायद आप लफ्ज़ हिंदुस्तान से ये समझ रहे हैं कि
हिंदू से हिंदुस्तान बना, आपके दिमाग में ये है कि हिंदू से हिंदुस्तान बना, संविधान के आधार पर बात नहीं, मैं बता रहा हूँ संविधान में जब ये बात रखी गई कि इस देश का नाम हिंदुस्तान होना चाहिए, तब जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, राजेंद्र प्रसाद थे, जब उन्हें किया गया तो उन्होंने संसद के अंदर क्लियर करा था कि इंडिया दैट इज भारत ना कि हिंदुस्तान, फिर आप क्यों हिंदुस्तान बार बार कर रहे हैं? वही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, जरा आप तवज्जो से सुनिए। अभी आपने कहा कि जैसे कहा इंडिया दैट इज भारत नॉट हिंदुस्तान, कि ये भारत है हिंदुस्तान नहीं है इंडिया। अगर इंग्लिस्तान का आदमी यहाँ संबोधन करेगा, इस देश का नाम लेगा तो क्या लेगा? इंडिया लेगा, इंडिया कहेगा वो इसको, हिंदुस्तान नहीं कहेगा। हिंदी में अगर इस्तेमाल किया जाएगा तो भारत कहा जाएगा, अगर हिंदुस्तान उर्दू में बोला जाएगा तो हिंदुस्तान कहा जाएगा। एक अंग्रेज को पानी की ज़रूरत होती है तो वाटर बोलता है, हिंदी में पानी बोलना हुआ तो हम पानी बोलते हैं, एक शुद्ध संस्कृत में अगर बोलना हुआ तो उसको जल बोला जाता है, या अरबी वाले ने बोला तो उसको माँ कह दिया, फारसी वाले ने कहा तो आप कह दिया। तो भारत या हिंदुस्तान या इंडिया ये कोई माना नहीं है, इसलिए ये लैंग्वेज का फर्क है। भारत बोलेंगे तब भी हिंदुस्तान मुराद है, हिंदुस्तान बोलेंगे तब भी हिंदुस्तान मुराद है, और इंडिया बोलेंगे तब भी हिंदुस्तान मुराद है। हिंदुस्तान बोलने का मतलब ये नहीं कि हिंदू से रिलेटेड है, बल्कि हिंदू हिंदुस्तान से रिलेटेड है, हिंदुस्तान हिंदू से रिलेटेड नहीं है। यहाँ का रहने वाला उसने अपने आप को हिंदू कहना शुरू कर दिया, और जब हम लोग बाहर जाते हैं तो हमको चाहे किसी धर्म का मानने वाला हो उसको हिंदी कहा जाता है, उसको मुस्लिम नहीं कहते। हम हज के लिए अरब में जाते हैं तो हमको पूछते हैं इंता हिंदी, तुम हिंदी हो, तो हम बोलते हैं नाम हम हिंदी हैं। तो हिंदी या हिंदू यहाँ के रहने के एतबार से, और जो आम बोलचाल में हिंदू कहा जाता है वो सनातन धर्म की पूजा करने वाला हुआ या आर्य समाज की पूजा करने वाला हुआ। तो ये सब्जेक्ट जो है धर्म से रिलेटेड है, चाहे हम भारत कहें या हिंदुस्तान कहें या इंडिया कहें, इसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन आपसे जो सवाल किया शाहीन बाग का, तो शाहीन बाग ने लोगों को जगाने की कोशिश की है, चाहे आप हिंदू हो तो भारतीय हो, मुस्लिम हो तो भारतीय हो, किसी धर्म के हो भारतीय हो। शाहीन बाग का सिर्फ रोल ये है, उन्होंने बेदार किया कि हिंदुस्तान के संविधान से छेड़छाड़ हो रही है, आप लोग जागो, बेदार हो और हिंदुस्तान के संविधान को बचाओ। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कह रही कि सड़क जो है खाली करना पड़ेगा, राइट, प्रोटेस्ट कीजिए, फंडामेंटल राइट है, सही, आपको जो है सड़क खाली करना पड़ेगा। हाँ, तो ये बात तो उनको समझना चाहिए, योगी जी को ये बात तो उनको समझना चाहिए, मोदी जी को। जहाँ लोग रोड नहीं जाम कर रहे हैं, पार्कों में कर रहे हैं एहतजाज, वहाँ किसी के ऊपर आतंकवादी लगा दिया जा रहा है, एनएससी लगा दिया जा रहा है, और उसके ऊपर देशद्रोह लगा दिया जा रहा है, दुनिया भर की धाराएं लगाई जा रही हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश अगर देश का प्रधानमंत्री नहीं समझेगा और मुख्यमंत्री नहीं समझेगा, तो जनता से आप कह रहे हैं, जनता तो बाद में समझे, जनता को भी समझना चाहिए, लेकिन पहले देश के उन लोगों को समझना चाहिए जो शांतिपूर्वक एक पार्क में बैठ कर एहतजाज कर रहे हैं, उनको पकड़ के उठा कर ले जाकर ऐसी ऐसी धाराएँ लगा दे रहे हैं जो धाराएँ आतंकवादियों पर लगाई जाती हैं। ये कौन सा इंसाफ है? आपसे मैं पूछता हूँ, आप बताइए। वो कह रहे हैं कि टस से मस नहीं होंगे, तो अब आप खुद सोचिए कि जब अभी आपने कहा कि संविधान, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि उनका संविधानी राइट है, ये उनका हक है, और आप बोलते हो कि टस से मस नहीं होंगे, इसका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट से आप खुद टकरा रहे हो। तो आप क्या देश के मुसलमानों को, जो उसमें दलित भी है, मुसलमान नहीं है, जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो लगातार शाहीन बाग से आवाज उठा रहे हैं, पूरे मुल्क में आवाज जा रही है, उनका कहना है कि जो है एनआरसी जो है नागरिकता देने का है, छीनने का नहीं है। अभी शायद आपने नहीं सुना, मैंने पहले इसका जवाब दे दिया। जब नागरिकता देने का कानून ऑलरेडी पहले से था और है, आज भी है, सीए को छोड़कर, तो जब नागरिकता देने का कानून हिंदुस्तान में है तो सीए लाने की क्या जरूरत पड़ी? सीए आप क्यों लाए? इसलिए लाए कि आपके दिल में कुछ गड़बड़ है हिंदुस्तान के अंदर, अशांति पैदा करना आपके दिल में है। अगर ना होता तो आपको नागरिकता देने का जो संविधान पहले से है हिंदुस्तान में मौजूद, उसके तहत आप नागरिकता दीजिए, हम कहाँ इतराज़ कर रहे हैं? कोई नहीं करता है, ना आप करते हैं, ना हम करते हैं, ना हिंदुस्तान की कोई जनता करती है। आप ट्रिपल तलाक पर कुछ नहीं बोले, आप बाबरी मस्जिद पर नहीं कुछ बोले, लेकिन वो जिस तरह से एनआरसी एनपीआर पर आवाज़ें उठ रही हैं, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा सवाल है, इस पर क्यों नहीं बोला जा रहा है? देखिए, ट्रिपल तलाक पर भी लोगों ने अपने अपने एतबार से बोला, अब बोलना चाहिए था, क्योंकि ये भी हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है। अगर आपको ट्रिपल तलाक पे हिंदुस्तान के भी खिलाफ है, हिंदुस्तान के संविधान के भी खिलाफ है और शरीयत के भी खिलाफ है, लेकिन हिंदुस्तान के संविधान के जब खिलाफ है वो इसलिए है कि जब यहाँ किसी भी पर्सनल लॉ में आपको हस्तक्षेप करने का संविधान इजाजत नहीं देता, और आपने उसको नजरअंदाज करके तलाक
तक बिल आप लाए तो आपने सबसे पहले हिंदुस्तान के संविधान पर हमला किया। सबसे पहले तो आपको हिंदुस्तान का वो संविधान खत्म करना चाहिए था जिसमें मुदाखलत एंट्री करने की आपको रोक है, आपने वो किया नहीं। तो आपने तलाक बिल पास करके संविधान पर भी हमला किया और मुस्लिम पर्सनल लॉ पे भी हमला किया। वो तो कह रहे हैं कि हम संविधान के दायरे में रहकर सब काम कर रहे हैं, तो बात कर लीजिए। यही तो कहा जा रहा है कि संविधान क्या बताता है, वो सामने है। बाबा साहब की जो किताब है संविधान हिंदुस्तान का, वो खुली किताब है, आप खोल के पढ़ लीजिए। कल अमित शाह जी कह रहे थे, परसों कह रहे थे हम दादियों से बात करेंगे, लेकिन जब दादियां जा रही थी शाहीन बाग की दादियां जब बात करने, तो पुलिस ने मना कर दिया कि अभी बात नहीं करेंगे। नहीं, ये तो ऐसा ही हुआ कि भाई आपने किसी से कहा कि चलो तुम भूखे हो प्यासे हो, हम तुम्हें दाना पानी दे रहे हैं, खा पी लो, और जब वो चला खाने पीने के लिए तो फिर आपने पानी का गिलास खींच लिया उसके आगे से। यही काम किया है आपने। आप तो यहाँ के गृह मंत्री हो, वजीर दाखिला हो, आपको चाहिए कि आपकी जनता प्यासी है, सिसक रही है, रोड पर है, आप उससे बात करके जो भी संवैधानिक तरीका निकलता है बीच का रास्ता हल कर लो। वो कोई बाहर के लोग नहीं है, सब आपकी रियाया हैं, आपकी प्रजा हैं, यहाँ की जनता हैं। आप उनके साथ दोरुखी पॉलिसी अख्तियार मत करो। अगरचे आप आरएसएस के हो वो अलग बात है, लेकिन हुकूमत जो है वो आरएसएस की गाइडलाइन पे नहीं चलेगी ना, हुकूमत चलेगी तो संविधान की गाइडलाइन पे चलेगी। वो कह रहे हैं बटन इतना जोर से दबाना कि करंट साइन बाग पहुंचे, तो आप लगा के दिल्ली वालों ने दिखा ही दिया कि करंट कहाँ लगा। अब हम आगे ज्यादा नहीं बोलेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा नाम भी कहीं लिख दिया जाए। तो वो करंट जो दबा तो करंट कहाँ लगा, दिख गया। ये बात पहले अगर 11 तारीख से पहले लोग पूछते तो इसका जवाब सही था। अब तो आपके सवाल के जवाब ही में है कि जो बटन दबा तो उसका करंट कहाँ लगा, वो सामने है। पश्चिम बंगाल भी जा रहे हैं। अरे हमारी तो दुआ है, पूरे भारतवासियों की दुआ है कि ये करंट पूरे हिंदुस्तान में लग, पूरे हिंदुस्तान में लग जाए, ताकि लोगों के समझ में आए कि संविधान का मजाक उड़ाने का क्या हशर होता है। मोदी साहब से बिल्कुल परेशान हो गए देश के आवाम। वो तो आप देख रहे हैं, दुनिया देख रही है। अब उनको एहसास हो जाए, उनका कान खुल जाए, कानों में आवाज जाने लगे और उनका जमीर बेदार हो जाए, अब वो इस चीज के लिए हो कि नहीं, हम हिंदुस्तान में चाहे किसी धर्म जात का आदमी हो, हम किसी को जानते बूझते तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। जामिया जेएनयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे लगातार हमला हो रहा है। वो तो देखिए, हमेशा हवा लगती है, आंधी का झोंका जलते हुए चराग को लगता है। जेएनयू अलीगढ़ और इस तरह जिन जिन लोगों ने लोगों को बेदार करने की कोशिश की है, वो जलते हुए चराग हैं और हवा उसी पर हमेशा लगेगी। हम लोग बुझे हुए चराग हैं, हम जलने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस दिन पूरा हिंदुस्तान में चराग जल जाएगा, रोशन हो जाएगा, उस दिन सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा अपने आप। एक लास्ट सवाल का जवाब दे दीजिए। आप कहते हैं कौम की बात कहते हैं, हम भी कहते हैं कि हमारी एकता जिंदाबाद, कौमी एकता जिंदाबाद, लेकिन आपके कौम के लोग जो बीजेपी में बैठ कर और अभी को कह रही है ये नागरिकता जो है देने की बात है, छीनने की बात नहीं है, ये मुसलमानों के बीच जो है अफवाह फैलाया गया है कि आप पे हमला है, बहुत बड़ा हमला, आप ही के कौम के लोग कह रहे हैं, बहुत सारे नाम है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, उस पर आप क्यों नहीं हल्ला बोलते, आप बीजेपी पे बोल रहे हैं। मैं शायद अगर आप तारीख से आशना होते तो इस सवाल का जवाब आपके पास होता कि हर कौम में, सिर्फ किसी एक कौम में नहीं, हर कौम में, हर जमाने में, हर दौर में दलाल पैदा होते रहे। वो सिर्फ इसी कौम में नहीं, हर कौम, हर बिरादरी, हर नस्ल, हर जगह दलाल पैदा हुए, और जो आज ये इस तरह की बोली बोल रहे हैं हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ, ये कौम के दलाल हैं। इनके ऊपर हमला बोलने की जरूरत नहीं है, अपनी मौत खुद ही मर जाएंगे।